हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को हल षष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भी व्रत रखती हूँ, तो मैं कल ही पूरा सामान वामान लेकर के आई थी हल छठ मैया का, और आज मैंने अभी पूजा करी है, और अभी पूजा करके ही मैं उठी हूँ। तो आप सभी को हल षष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे दोस्तों। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो सुबह का सब काम निपटा करके आराम से की पूजा, और पूजा करने के बाद आ गई किचन में। तो आज यहाँ पे बनने जा रही है मिर्ची की पकौड़ी। हाय मम्मी, क्या बना रहे हो? मिर्ची के पकौड़े। वाह, मेरे फेवरेट। खा लेना मगर सारे। ठीक है। तो यहाँ देखिए, आलू सुबह ही मैंने रख दी थी कुकर में उबलने के लिए, तो आलू उबल गई थी। और ये निकाल, ये क्या बनाया है? ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च का पकौड़ा। अभी इसको काट के दिखाएंगे आपको। चलो, और ब्लॉग। और ये देखिए, मिर्ची मैंने भर दी है। अब इसको बेसन में फ्राई, बस डिप करके फ्राई करना है। निकल गई गर्मा गर्म पकौड़े मिर्चे के, और अभी आलू के, ब्रेड के और प्याज के भी बनाने हैं। तो आज का लंच यही रहेगा, पकौड़े ही खाने वाले हैं लंच में दोस्तों, खट्टी मीठी चटनी के साथ। और ये शिमला मिर्च जो बनाई थी उसको भी काट के दिखा रहे हैं, नहीं तो आप लोग समझे कि कहीं ये कुछ गड़बड़ मामला तो नहीं है। लेकिन ये हम लोग प्योर वेजिटेरियन है। देखिए ये देखिए, ये शिमला मिर्च का है पकौड़ा। तो ये मेरे हस्बैंड जी ने शिमला मिर्च पूरा एक भर के बनवाया, और ये छोटी वाली बड़ी मिर्चे हैं हरी वाली, वो मैंने बनाई है। तो चलिए अब खाते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए, अभी सब्जी वाला आया था, तो सब्जी भी ले ली, फल भी ले लिए, वो भी यही रखे हैं। तो बस अब बच्चों को बुला रही हूँ, और बस ये खाएंगे। तो बढ़िया पकौड़ा बना रहे हैं मिर्चे का। और मिर्ची पकौड़ा खाने के बाद हम लोग आ गए किचन में। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी ने बनाए ब्रेड रोल, और दो तीन शिमला मिर्च के भी सेम साबुत शिमला मिर्च के भर के पकौड़े बनाए। और जब बेसन थोड़ा बच गया तो मैंने उसमें काट दी प्याज और हरी मिर्ची। तो थोड़े से प्याज के भी पकौड़ी निकाली,
क्योंकि मेरे बेटे को प्याज की पकौड़ी भी अच्छी लगती है, तो इस तरह से आज पकौड़े ही खाए गए लंच में। पकौड़ी बन रही है चार पांच तरह की। आज हमारा लंच पकौड़े का रहा, प्याज की पकौड़ी और ब्रेड रोल भी बन गए और शिमला मिर्च की भी पकौड़ा। ये शिमला मिर्च का पकौड़ा है और पहले भी, और ये शिमला मिर्च का पकौड़ा है और ये ब्रेड रोल और ये प्याज की पकौड़ी। तो आज हमारा खाना दोपहर का यही रहा दोस्तों। छठ है तो छठ का सामान लाने के लिए आज ही हमको बाजार जाना पड़ेगा, क्योंकि पास में मार्केट है नहीं, तो थोड़ा दूर से ही सामान लेके आते हैं। तो आज अभी लेके आऊँगी और कल सुबह मतलब दिन तक का 11 12 बजे तक पूजा करनी है छठ की। तो आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं जा रही हूँ अभी सामान लेने के लिए बाजार। तो मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर के बाद, बाजार से सामान लेके आती हूँ। और सुबह पकौड़ी वगैरह खाने के बाद थोड़ा आराम किया और फिर निकल लिए शाम को, क्योंकि कल छठ है तो छठ का भी सामान लाना है। तो अब शाम को चलते हैं बाज़ार छठ पूजा की सामान की खरीदारी करने के लिए। तो देखिए हम लोग बाज़ार को निकल पड़े हैं। तो देखिए यहाँ जन्माष्टमी के अवसर पे बाज़ार में काफ़ी रौनक है, काफ़ी दुकानें सजी हुई हैं और हलछठ का भी सामान मिल रहा है। तो देखिए ये जो पौधे की पूजा होती है वो भी मिल गया, और भी मुझे अभी सामान खरीदना है। छोटे छोटे कुल्हड़ लगेंगे मिट्टी के, तो वो भी यहाँ पे आगे मार्केट है थोड़ी सी, तो वहाँ पे भी मुझे वो मिल जाएंगे सब। तो ये देखिए आ गए हम कुल्हड़ की दुकान पे, तो यहाँ से मैंने कुल्हड़ लिया और पौधा ले लिया, कुल्हड़ ले लिया, और अब हमें सतनाज लेना है। तो आगे चलते हैं, देखिए सतनाज की दुकान आ गई, तो यहाँ से मैंने सतनाज लिया और उसके बाद निकल पड़े हम लोग घर की तरफ, क्योंकि रात भी हो रही थी और बाज़ार भी बहुत अच्छे से सजा है। कृष्ण भगवान के झूले, कपड़े, मुकुट, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो पूरी बाज़ार भरी भरी सी थी और फिर हम लोग अपने घर की तरफ निकल लिए। और सुबह की पूजा पाठ का कार्यक्रम चालू हो गया है, तो यहाँ पे पहले जो रोज़ पूजा होती है वो हमने की, और उसके बाद फिर करेंगे हलछठ मैया की पूजा। और यहाँ अब जो है मैं चौक पर आ रही हूँ, चावल और हल्दी का ऐपन बनाया है उससे, और फिर कलश में भी चावल हल्दी का ऐपन लगा देते हैं, और थोड़ी सी मिट्टी भी मैंने इस कलश में डाल रखी है जिससे कि जो कल पौधा लेके आए थे वो इसमें अच्छे से लग जाए। पूजा का पौधा मैंने लगा दिया है, और उसके बाद हमारे यहाँ मतलब दीवाल में पहले बनाते थे, तो मैं दीवाल में हलछठ मैया नहीं बनाती हूँ, एक कागज पे ही बना देती हूँ और फिर उसको उठा के अपने पूजा घर में रख लेती हूँ। और यहाँ देखिए मैं जो वृक्ष लेके आई थी उसी को अच्छे से सही कर रही हूँ, अच्छे से लगा रही हूँ। कल रात में लेके आई थी तो इसको मैंने एक पानी में डाल के रख दिया था जिससे कि ये मुरझाए ना, तो ये सुबह तक बिल्कुल हरा बना रहा।
और अगर ऐसे ही रख देती तो फिर ये पत्ते सूख से जाते, लेकिन एक टब में पानी डाल के मैंने रख दिया था तो ये देखिए पत्ते एकदम बिल्कुल ताजे से लग रही हैं। तो देखिए हलछट मैया का मैंने यहाँ पे चित्र जो अपने हाथों से बनाती हूँ वो रख दिया। मेरे यहाँ कैलेंडर नहीं मिल पाते हैं और पहले तो लोग दीवारों में गोबर वगैरह से लीप करके और अच्छे से बनाते थे, तो अब इतना शहर में नहीं हो पाता है तो मैं कागज़ पे ही चित्र बना देती हूँ और फिर उनकी पूजा करके फिर अपने मंदिर में ही रख लेती हूँ। अब यहाँ पर इस थाली में कुल्हड़ रख लेते हैं या चुकड़िया बोलते हैं, तो इनको सतनाज जो लाएँ और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट भी ले लेते हैं। तो पहले सतनाज भरते हैं और फिर ड्राई फ्रूट भी भरते हैं, तो ये ऐसे छठ मैया की चुकड़िया भरी जाती हैं। और दो कटोरियाँ मैंने भगवान के नाम से भी निकाल ली हैं तो उनको भी मैंने भर के रखा है और अब इनमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट। और फिर कुछ पत्ते ले लेते हैं, तो पत्ते में दही और पसई के चावल और महुआ, तो ये सब डाल के छह जगह रखते हैं और उसके बाद फिर इसी का ही भोग जो है प्रसाद मैं ग्रहण करूंगी एक पत्ते का, और बाकी फिर कुछ भी जोता या बोया हुआ हमें नहीं खाना है। तो दूध दही में कुछ वर्जित नहीं होता है, वो भी भैंस का गाय का दूध वर्जित है, नहीं लेना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही हूँ हलछठ मैया की। मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाता है दुआ से मेरे भवानी शंकर। सभी को हल षष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे यहाँ भी पूजा हुई है और आप लोग भी करते होंगे तो आपके यहाँ भी हो रही होगी, तो आप सभी को हल षष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।